बिहार में पैदा हुए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आईपीएल नीलामी में करोड़पति बन गए। उन्हें शुक्रवार 23 दिसंबर को कोच्ची में आयोजित नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। मुकेश का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। उन्हें दिल्ली ने 27.5 गुना कीमत देकर अपनी टीम में शामिल किया है। सेना में जाने के लिए मुकेश ने 3 बार कोशिश की थी और हर बार वह फेल हुए थे। मुकेश की बात करें तो वह बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। गरीबी के कारण उनके पिता कोलकाता आकर ऑटो चलाने लगे। दूसरी ओर मुकेश गोपालगंज में क्रिकेट खेला करते थे। बेहतरीन खेल के दम पर वह बिहार की अंडर 19 टीम में भी शामिल हुए। बाद में पिता ने उन्हें नौकरी के लिए कोलकाता बुला लिया। मुकेश ने हिम्मत नहीं हारी और कोलकाता में क्रिकेट खेलना जारी रखा। मुकेश कोलकाता में प्राइवेट क्लबों के लिए खेलने लगे। इस दौरान एक मैच खेलकर 500 रुपये कमा लेते थे। 2014 में बंगाल क्रिकेट संघ के ट्रायल में उन्होंने हिस्सा लिया। कोच राणा देव बोस ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। राणा देव बोस के कहने पर ही उन्हें ईडन गार्डन के एक कमरे में रहने की जगह भी मिल गई। 2015 में मुकेश ने बंगाल के लिए पदार्पण किया। मुकेश ने रणजी मैचों में बंगाल के लिए शानदार प्रदर्शन किया। इसका फल भी उन्हें मिला। मुकेश को भारतीय ए टीम में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, इस साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए उन्हें टीम इंडिया में भी चुना गया। हालांकि मुकेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। जिस दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीदा है उसी के लिए मुकेश नेट गेंदबाज भी रहे हैं। मुकेश अपने घर में सबसे छोटे बेटे हैं। उनसे बड़ी 4 बहनें हैं। उनके पिता एक ड्राइवर थे लेकिन किसी तरह उन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी। ऐसे में वो मुकेश को सब नहीं दे पा रहे थे जो एक क्रिकेटर के लिए जरूरी होता है। पिछले साल उनके पिता के निधन के बाद मुकेश ने अपनी 4थी बहन की भी शादी कराई। मुकेश ने 33 प्रथम श्रेणी मैचों में 123 विकेट झटके हैं। इस दौरान 6 बार एक पारी में 4 और 6 बार ही एक पारी में 5 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने 24 लिस्ट ए मैचों में 26 विकेट झटके हैं। T20 क्रिकेट की बात करें तो मुकेश ने 23 मैचों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं।